अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और सबके दस्तरखानों को हरा भरा और वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पटियाला बना रही हूँ, तो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 700 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, आप हड्डी वाली चिकन भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और साथ ही मैंने इसके 2 टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं ये, इनको मैंने छिलका उतार कर और ग्राइंड कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम लिए हैं, इनको मैंने थोड़ा सा दूध डालकर इनको अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है मैंने। अगर आपके पास खसखाश अवेलेबल हो तो आप इसके साथ खसखाश भी अच्छे से धो के साथ में इसके ग्राइंड कर लीजिएगा। चिकन पटियाला तैयार करने के लिए जो मसाले मैंने लिए हैं वो कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मेथी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा का पाउडर लिया है। और इसमें साथ ही दही ली है मैंने, ये 1/2 कप के करीब है। 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम ली है, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसमें, और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट ली है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 सब्ज़ इलायची ली है मैंने। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और साथ में मैंने ऑयल लिया है और थोड़ा सा प्योर घी भी यूज़ करूँगी इसमें। चिकन को हम मैरिनेट कर लेते हैं, इसमें मैं दही ऐड करूँगी। अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करूँगी, ये 1 टेबलस्पून है। ये तमाम मसाले ऐड करूंगी इसमें। चिकन को मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, इसको हम जितनी देर के लिए रेस्ट देंगे चिकन को तो ये उतनी ही टेस्टी तैयार होती है। कम से कम आप इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट जरूर दें, फिर इसको बनाइएगा। और मिर्चे और नमक आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने वॉक ली है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब प्योर घी ऐड किया है और 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। दालचीनी का टुकड़ा और सब्ज़ इलायची ऐड करूँगी इसमें मैं, प्याज ऐड करूँगी। प्याज को बस लाइट सा गोल्डन करना है, बिल्कुल ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना हमने इसका, बस इसका कच्चा पान दूर करना है हमने। आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको कम्प्लीटली ऑयल में बनाएं या घी में बनाएं, ये दोनों तरीके से बहुत ही मज़े का बनेगा। मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की, इसमें ऑयल भी और घी भी यूज़ किया है। प्याज हमारे हल्के से गोल्डन हो चुके हैं, अब मैं इसमें ये मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करूँगी। पाँच से 7 मिनट हो चुके हैं चिकन को भूनते हुए, अब देखिए मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है, हमने अच्छा सा चिकन को भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, टमाटर डाल के भी मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी। इतनी देर भूनूंगी कि ऑयल जो है फिर से मसाले से बाहर आ जाए, तब तक मैं इसको भूनूंगी अच्छा सा। तो मैं कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करूंगी ताकि हमारी चिकन जो है अच्छे से कुक हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। मैं इसमें काजू और बादाम की पेस्ट ऐड करूंगी, क्रीम ऐड करूंगी। अच्छा सा मिक्स करूंगी।
इसको 5 से 7 मिनट के लिए फिर से भून लूँगी अच्छा सा, ताकि क्रीम और काजू की जो पेस्ट है जो हमने अभी इसमें ऐड की है वो अच्छे से भुनी जाए। बादाम और काजू की पेस्ट डाल के आपने इसको कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो चिकन है ये जल जाएगा, मसाला जो है हमारा जल जाएगा। आप चिकन पटियाला जिस तरह मैंने बोनलेस में बनाई है, आप इसको हड्डी वाले चिकन के साथ और हड्डी वाले गोश्त और बोनलेस गोश्त में भी आप इसको कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगेगी। गोश्त में भी आप इसको गोश्त में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पाँच मिनट हो चुके हैं इसको फिर से भूनते हुए, अच्छे से भुनी जा चुकी है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी जितनी की मुझे ज़रूरत है, मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड किया इसमें। अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ, चेक करूँगी कि मुझे और पानी की ज़रूरत है या नहीं इसमें डालने के लिए। ये थोड़ा ग्रेवी वाला अच्छा लगता है ये वाला सालन। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी, 2 से 3 टेबल स्पून। इसको मिक्स करूँगी मैं, इसको लो फ्लेम पे मैं 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पका लूँगी। चिकन पटियाला हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। चिकन पटियाला तैयार है, ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी तैयार हुई है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपीज कैसी लग रही है। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।